दोस्तों उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेते हैं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इस दुनिया में इनकी लगभग 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये ज्यादातर दिन में सोते हैं और रात्रि में अपना शिकार करते हैं और इसका रंग भूरा, आंखें बड़ी व गोल होती हैं, जो कभी हिलती नहीं बल्कि एक जगह पर स्थिर रहती हैं। और अगर बात करें इनके भोजन की तो ये अपने भोजन में कीड़े, छिपकलियां, मेंढक, चूहे, छोटे पक्षियों आदि को खाना पसंद करते हैं और इनका आकार लगभग 15 से 25 इंच तक होता है, जिसमें दो पंखे, दो पैर, दो आंखें और एक छोटी चोंच होती है। इसके पंजे नुकीले और घुमावदार होते हैं, जिसमें चार उंगलियां होती हैं, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और इनका वजन भी लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्लू इंसान से 10 गुना धीमी आवाज भी सुन सकते हैं और ये सुनने के लिए अपने कानों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि इस उल्लू का जन्म कैसे होता है और ये अपना अंडा कैसे देता है और कहां देता है, उन अंडों से बच्चे बाहर कैसे निकलते हैं और क्या खाते हैं और ये बच्चे कितने दिनों में बड़े हो जाते हैं और कितने सालों तक जीते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर उल्लू और मादा उल्लू का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा उल्लू अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अपना अंडा देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है और ये एक बार में 4 से 6 अंडे दे देती है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये उन अंडों को 20 से 25 दिनों तक सेने का कार्य करती है। तो जैसे ही 30 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इनके अंडों में हलचल होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अंडों के अंदर पल रहे बच्चे अंडे की परत को तोड़कर कभी भी बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद वो समय आ ही जाता है जब ये बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर निकलना शुरू करते हैं और ये अंडे से बाहर निकलने के बाद बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं। इस दौरान इनका वजन लगभग 4 से 6 ग्राम तक होता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि इस वीडियो को आप अभी लाइक करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, तुरंत लाइक करो। उसके बाद ये बच्चे पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं, जिसके बाद ये मादा उल्लू इन बच्चों की पूरी देखभाल और इनके भोजन का पूरा ध्यान रखती है और ये बच्चे लगभग 50 दिनों तक अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में रहते हैं। इस समय अवधि के दौरान इनके शरीर के अंग विकसित होते रहते हैं और लगभग 60 से 65 दिनों के बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपना घोंसला छोड़कर अपने नए जिंदगी के नए सफर की नई उड़ान भरते हैं। और इस तरह एक उल्लू का जन्म होता है, जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर से इनका ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल लगभग 15 से 30 सालों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और आपको बता दूं कि मादा उल्लू नर उल्लू की तुलना में ज्यादा बड़ी और भारी होती है और ये अपना अंडा देने के लिए घोंसला नहीं बनाती, बल्कि ये दूसरे पक्षियों के द्वारा छोड़े गए घोंसले में अंडे देती है। और कठफोड़वा का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।